से प्रेम करने का बड़ा अहंकार था मुझे। बहुत महान समझती थी मैं अपनी भावनाओं को, और मैं ही आपका उद्देश्य नहीं समझ पाई। आप मेरी सहायता करते रहे और मैं आपको अपमानित करती रही। आपने ठीक कहा था महादेव, मैं आपकी योग्य ही नहीं, योग्य ही नहीं। सती, ये समय अपराध बोध में रोने का नहीं है। जाओ जाके जटा को ढूंढो, उनसे क्षमा मांग लो। सती, मैं उन्हें सदा के लिए खो चुकी हूं दीदी, और ढूंढू भी तो कहां ढूंढू। मनुष्य रूप धारण कर वो तुम्हें वचन मुक्त करने में सहायता कर रहे थे, उसी तरह औरों का भी कल्याण कर रहे होंगे। संभव है कि ढूंढने से वो पुनः मिल जाएंगे। केवल सही दिशा में ढूंढना होगा। सोचो सोचो कहां गए होंगे। अच्छा, तो ये है मेरी होने वाली मामी। पता है, आज मामा वर्षों बाद हमारे घर आए, परंतु भोजन किए बिना ही चले गए, केवल आपसे मिलने के लिए। वो बालक उन्हें मामा कहकर संबोधित कर रहे थे। संभवतः शिव उन्हीं से मिलने गए। तो जाओ सती, जाओ। यदि आज तुमने जटा को नहीं पाया तो मुझे भय है कि तुम उन्हें सदा के लिए खो दोगी। जाओ सती, जाकर उनसे क्षमा मांग लो। एक एक पल का विलंब भी कहीं कई कल्पों की दूरी का कारण न बन जाए। जाओ सती, जाओ।
के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाई। आप वहां मेरे लिए आए थे और मैं आपको ही अपमानित करती रही। आप ठीक कहते थे, मैं आपके योग्य ही नहीं। कितनी स्वार्थी थी मैं, केवल अपने बारे में सोचती रही। किंतु अब मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई है। अब सती आप पर कभी शंका नहीं करेगी, कभी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। सब कहते हैं कोई सच्चे मन से और पश्चाताप के साथ यदि आपसे क्षमादान मांगे तो आप उन्हें क्षमा कर देते हैं। आपने क्षमा कर दिया मुझे। क्षमा किस लिए सती? तुमसे कोई भूल नहीं हुई है? तो मुझे यहां से कहीं बहुत दूर लेकर चली, कैलाश पर। मैं आपको वचन देती हूं, आप मुझे जैसे भी रखेंगे मैं सुखी रहूंगी। मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी, केवल मुझे अपने साथ ले चलिए। सती, तुम अपने पिता के लिए वचनबद्ध, इसीलिए मैंने ये सारी लीला प्रजापति की मर्यादा रक्षा हेतु रची थी। मैं जानती हूं, परंतु अब मैं उस वचन से मुक्त हूं। अब मुझे अपने साथ कैलाश ले चलिए। पुत्री तो कुल और वंश की लाज होती है सती, उसके ऊपर मर्यादा की रक्षा का दायित्व होता है। तुम तो ब्रह्मा की पोती हो, सभ्यता के संस्थापक और संचालक प्रजापति दक्ष की पुत्री। यदि तुम ही उनके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगी, यदि तुम ही उनके बनाए नियमों को तोड़ दोगी, तो तुम्हारे पिता का घोर अपमान नहीं होगा? ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं सती। क्या तुम अपनी मर्यादा को लांघकर मेरे साथ कैलाश चलना चाहती हो, या अपने कुल की मर्यादा को एवं अपने माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहती हो?